शेर शेर ही कहता है, बकरी नहीं कहता। हुब्बे अहले बैत के नाम पर मिक्सिंग बहुत हुई है, जिम्मेदार उलमा की। हुब्बे अहले बैत के नाम पर मिक्सिंग बहुत हुई और मिक्स करने वालों ने कैसे कैसे मिक्स किया, वक्त होता तो मैं थोड़ी सी चादर खसका देता, लेकिन इतनी बात सुननी हो अपने दिल में गांठ बांध लो। जहां सिर्फ मौला अली हो, जहां सिर्फ मौला अली हो, सैयदना अबू बकर ना हो, वो हुब्बे अहले बैत नहीं। और जहां सिर्फ सैयदना फारूक आजम हो, उस्मान गनी ना हो, वो हुब्बे अहले बैत नहीं। और जहां सिर्फ मौला अली हो, अमीरे मुआविया ना हो, सैयदना अमीरे मुआविया ना हो, माफ करना वो शख्स यजीद के खेमे का वकील तो हो सकता है, इमाम हुसैन का आशिक नहीं हो सकता। लेकिन इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर आशिक अहले बैत की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो इस सदी का एक आशिक, इस सदी का एक आशिक, हजारों हजार साहब दीवान मद्दहाने अहले बैत पर, उसका सिर्फ एक शेर भारी पड़े, सिर्फ एक शेर। शेर ही कहता है, बकरी नहीं कहता। तवज्जो चाहो, शेर शेर ही कहता है, बकरी नहीं कहता। और याद रखना, जो मुस्तफा के इश्क का शेर हो, वो जब भी बोलेगा तो चार यार की बोली बोलेगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, उसी शेर का नाम है इमाम अहमद रजा। एहसान बाबू, चूंकि आप लिखते हैं कुछ बुलंदी परवाज के साथ, इसलिए मैंने छेड़ दिया। जहन को करीब कीजिए, क्या कह रहा था, किसी को याद है? यानी इतनी देर की मेहनत यूं ही गई। शेर शेर ही कहता है, इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक शेर बोला है। ऐसा आशिक जिसके वजूदे इश्क में नबी की आल का माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। तवज्जो चाहो, क्या कहा? या रसूल अल्लाह अली का सलाम तेरी नस्ले पाक में है। तवज्जो चाहो, क्या कहा? हजरत साहब से ज्यादा की दुआओं के साथ और सुफिया निजाम की, क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। जोर से, जोर से, जोर से, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बूढ़ा बूढ़ा नहीं कहा, बोलोगे तो बोल दूंगा आज, बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, अरे बोल, सुभान अल्लाह, बूढ़ा बूढ़ा नहीं कहा।
और हुजूर का नहीं कहा, हुजूर का नहीं कहा, फातिमा का भी नहीं कहा, अली का भी नहीं कहा, बलियाबी तो चुनौतियां देकर कहता नबी के आल के इश्क के कसीदे पढ़ने वालों, अरे आओ करबला के बाद ऐसा आशिक सादिक, ऐसा आशिक सादिक हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। तवज्जो हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा, फातिमा का नहीं कहा, नूर का कहा, अली का नहीं कहा, नूर का कहा, इसलिए कि मेरे नबी ने यही तो फरमाया, हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन, मैं हुसैन से हूं। अब अहले फिक्र थोड़ी तवज्जो कर दे तो एक और मैं रंग डाल दू, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल। क्या बात है, क्या कहा? हुसैन, उनको जगा दीजिए, बेटा जाओ सो जाओ। बलियाबी की गुफ्तगु बलियाबी का दुश्मन बहुत ढंग से सुनता है। सिर्फ एक बार लफ्ज करबला बोल दे तो लगे जिसे करबला इंडिया में हो गया है। लेकिन माफ करना, ईमान वालों को न करबला से कोई दूर कर सकता है, न करबला वालों से कोई दूर कर सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। हजरत ये बात तो समझ में आ रही है कि मुस्तफा से फातिमा, फातिमा से हुसैन, नबी नाना, खातून जन्नत अम्मी, मौला अली बाबा, और नबी ये न कहें कि हुसैन फातिमा से। काशी गुफ्तगू में कहीं और किया हो। नबी ये न कहें कि हुसैन फातिमा से, मुस्तफा ये भी न कहे कि हुसैन अली से, बल्कि नबी रहमत फरमावे हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। आलम तसव्वुर में मैं गुंबदे खजरा की खाके पा चूम कर अर्ज करते रहा मदीने के आका, ये तो समझ में आ गया हुसैन आपसे है, लेकिन आपसे हुसैन ये तो समझ में आ गया हुसैन से आप हैं, ये समझ में नहीं आता। तो जवाब मिलेगा करबला के बाद समझ में आ जाएगा। आज इस्लाम नबी से है और कल इस्लाम हुसैन से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोदाए करबला, गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।